अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, बहुत ही खुशी की खबर है। ज़का अशरफ ने हंगामी अजलास बुला लिया है और इस अजलास में बाबर आजम को फौरी तलब कर लिया और बाबर आजम से मुलाकात में कहा है कि मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया जाए। इस अजलास में बाबर आजम ने ज़का अशरफ को यकीन दहानी करा दी है, मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल कर लिया जाएगा। बाबर आजम आज इसका हतमी फैसला करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। स्क्वाड में मोहम्मद आमिर से बेहतरीन फास्ट बॉलर ऐड नहीं है। शाहीन अफरीदी बहुत अच्छे बॉलर थे, नसीम शाह भी, लेकिन नसीम शाह इंजरी के बायस बाहर हो गए हैं इस स्क्वाड से और मोहम्मद आमिर को ऐड किया जाएगा वसीम जूनियर की जगह। आम के प्रेशर ने ज़का अशरफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा करने पर मजबूर कर दिया। हम इस वर्ल्ड कप ने आमिर का अग्रेशन, कोहली को डराना सब कुछ देखेंगे और पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को भी। कुछ भी हो, मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल करना पाकिस्तानियों के लिए मजबूरी बन गया है, क्योंकि मोहम्मद आमिर बहुत अच्छे फास्ट बॉलर और कैरिबियन लीग में अपना लोहा भी मनवाया है। तो मोहम्मद आमिर के लिए कमेंट्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखिएगा और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।